कैंसर ऐसी बीमारी है जिस कारण हर साल दुनिया भर में लाखों से भी ज्यादा लोग मरते हैं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, हर किसी को अलग अलग कैंसर होते हैं, जैसे स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इस तरह से कई और कैंसर्स भी होते हैं। देखा जाए तो कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें अबनॉर्मली सेल्स बढ़ते हैं और फिर वो डिवाइड हो जाने पे बॉडी के टिश्यू को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण कैंसर सेल्स बाकी बॉडी पार्ट तक स्प्रेड होने लगते हैं। और एक बार किसी व्यक्ति को कोई भी कैंसर हुआ तो उसका ठीक होना ट्रीटमेंट्स पे डिपेंड करता है। कैंसर जैसी बीमारी की ट्रीटमेंट भी महंगी होती है और उससे व्यक्ति की हेल्थ भी कमजोर हो जाती है। अब तक कैंसर की बीमारी से बहुत सी ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन की खोज की गई है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरीज, ये ट्रीटमेंट्स यूज होते ही है। ये ट्रीटमेंट्स कैंसर ठीक करने के काम तो करती है, पर ट्रीटमेंट के असर से पेशेंट की हेल्थ और भी कमजोर हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो जान के आपको खुशी होगी। पहली बार किसी कैंसर थेरेपी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। अब ये थेरेपी क्या है, कैसे असर करती है और सबसे महत्वपूर्ण कि इस थेरेपी की खोज किसने की, इन सारे सवालों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो से दूंगी। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। कैंसर से लड़ने के लिए अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करें, इसकी खोज दो ग्रेट साइंटिस्ट ने की है। इनके इस अनोखे खोज के लिए साल 2018 में इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। ये दो महान साइंटिस्ट का नाम है जेम्स एलिजन जो US के हैं और तसुकु होंजो जो जापान के हैं। कैंसर की जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स है वो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को टारगेट करती है, लेकिन जेम्स एलिजन और टेस्को होंजो ने ऐसी थेरेपी फाइंड की है जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम से कैंसर से निपटाती है। इसीलिए इस थेरेपी को इम्यूनोथेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी का असर हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है, इसीलिए ये इम्यूनोथेरेपी ऐसी ट्रीटमेंट है जो बॉडी के नेचुरल डिफेंस को बूस्ट करके कैंसर से लड़ने में मदद करती है। तासुको होंजो ने इस ट्रीटमेंट का रिसर्च वर्क तब शुरू किया जब इनके मेडिकल स्कूल के क्लासमेट की डेथ स्टमक कैंसर के कारण हुई। इस साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च वर्क चालू रखा ताकि इम्यून थेरेपी से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को बचा सके। इम्यूनोथेरेपी कैंसर से कैसे लड़ती है? एक बार बॉडी में कैंसर सेल्स फॉर्म होते हैं, जब वो आगे बढ़ते जाते हैं और कैंसर सेल्स बढ़ने की एक वजह होती है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम में छिपाने के लिए सक्षम होते हैं। कुछ इम्यूनोथेरेपीज के लिए कैंसर सेल्स को ढूंढ के नष्ट करना काफी आसान होता है। जब इम्यून सिस्टम से कैंसर सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो उनके बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब देखते हैं ये इम्यूनोथेरेपीज के कौन से टाइप है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए काफी सारे टाइप्स के इम्यूनोथेरेपी आते हैं। ये ट्रीटमेंट्स इम्यून सिस्टम से कैंसर सेल्स पे डायरेक्टली अटैक करते हैं या फिर कैंसर से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। दो टाइप के इम्यूनोथेरेपी है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं डायरेक्टली कैंसर सेल्स पे अटैक करने, और ये थेरेपीज है चेकपॉइंट इनहिबिटर्स। चेकपॉइंट इनहिबिटर्स एक ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को ट्यूमर के तरफ मजबूत तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। ये ड्रग टी सेल्स पे ब्रेक लगाता है। टी सेल व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी कैंसर सेल्स पे डायरेक्टली टारगेट नहीं करता है। इसके बदले इम्यून सिस्टम को कैंसर से बचाने के लिए कैंसर सेल्स की क्षमताओं में हस्तक्षेप करता है। अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर। अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर ट्रीटमेंट में टी सेल्स कैंसर ट्यूमर से ही लिए जाते हैं और फिर जो सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं उन्हें लैब में ग्रो किए जाते हैं और इस प्रोसेस को 2 से 8 वीक लगते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान इम्यून सेल्स को कम करने के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। इस ट्रीटमेंट के बाद टी सेल्स जो लैब में ग्रो होते हैं वो बॉडी में फिर से इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं और इस ट्रीटमेंट से टी सेल्स की नेचुरल क्षमता बढ़ती है जिस कारण वो कैंसर से लड़ सकते हैं। ये है इम्यूनोथेरेपी के टाइप्स, लेकिन ये थेरेपी अभी तक इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है जितनी केमो, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी यूज होती है। शायद बहुत कम लोगों को इस इम्यूनोथेरेपी की जानकारी होगी, इसीलिए इसका इस्तेमाल इतना हुआ नहीं है। इम्यूनोथेरेपी कब तक लेनी चाहिए ये कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है और आपका कैंसर कितना एडवांस्ड है या पुराना है उस पे भी डिपेंड करता है थेरेपी लेना। सबसे जरूरी बात आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट के तरफ कैसे रिएक्ट करती है, और हर किसी की बॉडी में इम्यून सिस्टम
सिस्टम की पावर अलग होती है, इसीलिए ये ट्रीटमेंट सबको चलेगी ऐसा नहीं है। इस थेरेपी के दौरान रेस्ट पीरियड भी दिया जाता है ताकि पेशेंट रिकवर करे और फिर से इम्यूनोथेरेपी पे रिस्पॉन्ड कर सके ताकि न्यू हेल्दी सेल्स फॉर्म होंगे। तो अब ये वीडियो पे आपके क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।